बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए माश की दाल, यानी मसाले वाली माश की दाल, जिसको उड़द दाल भी कहते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है माश की दाल 1 कप। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके भिगो लिया है 1 घंटे पहले, तो ये थोड़ी सी फूल जाती है भिगो लेने से। बॉईल करने के लिए टोटल 5 कप पानी है, उसमें मैं बॉईल कर रही हूँ दाल को। तकरीबन 15 से 20 मिनट में दाल गल गई थी, इस तरह से देखें, इस तरह से ही गलनी चाहिए। तो दाल गल चुकी है, तो अब इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और डाल रही हूँ उसमें 1/2 कप ऑयल, और चॉप की हुई लहसुन है 1 टेबल स्पून, अदरक ऐड कर रही हूँ चॉप की हुई 1 टेबल स्पून। चॉप की हुई अदरक लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबित जीरा 1 टीस्पून। थोड़ा सा जीरा मैं तड़का में ऐड करूँगी, इसलिए मैं थोड़ा सा बचा रही हूँ इसमें से। ये मैंने अभी इसमें 1 टीस्पून ही ऐड किया है। ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ 1 अदद, इसको बीच में से इस तरह से कट कर लिया है। और ये साबित लाल मिर्च है गोल वाली, वो ऐड कर रही हूँ 2। आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, लहसुन अदरक थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। फिर उसके बाद इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ, 1 अदद प्याज है ये मीडियम साइज़ की, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। और फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, इसको हल्का सा ब्राउन करना है, देखें सिर्फ इतना ही ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर, टमाटर ले लिया है 1 अदद, और 2 टेबल स्पून लिया है मैंने टोमेटो प्यूरी। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप 1 टमाटर और इसमें ऐड कर दें। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मसाले, इसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, हल्दी ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, 1/2 चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो 1 पूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे मसाले मज़ेदार से इसमें जा चुके हैं, और अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ 1/3 कप, ताकि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। टोटल पानी इसमें 1/3 कप ही मैंने ऐड किया है, थोड़ी थोड़ी देर में किया है। ये अब मैं ऐड कर रही हूँ दोबारा से, लेकिन टोटल 1/3 कप ही ऐड किया है। फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और उसके बाद मैंने लिड लगा के रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि मसाला जो टमाटर हमने डाले हैं वो सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, भुन जाए मसाला, ऑयल ऊपर आ जाए। तो अब मैं यहाँ पर देखें दाल ऐड कर रही हूँ। दालों को देखें इतना ही बॉईल करना है कि इस तरह से नज़र आना चाहिए, बिल्कुल ही मैश ना हो। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, और गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी 1/2 टेबल स्पून। कसूरी मेथी को हाथों से ही क्रश करके इसमें ऐड कर रही हूँ, इस तरह से देखें पाउडर सा बन जाता है। और अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ 1/2 कप, ताकि दालें जो हमने डाली हैं उसमें अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो जाए। तो बस ज़्यादा नहीं पकाना है अब इसको, क्योंकि दालें गली हुई हैं, बस इसको मिक्स करना है एक अच्छा सा मसालों में। तो बस इस तरह से देखिए कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह से होगी। अगर आपको थोड़ी पतली दाल चाहिए तो पानी इसमें 1 कप आप ऐड कर सकते हैं। तो बस लिड लगाकर मैंने रख दिया था यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो बस देखें इस तरह से इतनी पतली है। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हरा धनिया चॉप किया हुआ 3 से 4 टेबल स्पून। तो बस दालें हमारी हो गई हैं रेडी, और अब इसके लिए तड़का रेडी कर लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है छोटू सा, उसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल 3 टेबल स्पून, और ऐड कर रही हूँ इसमें ज़ीरा साबित ज़ीरा 1/2 टीस्पून। तेल जब गरम हो जाए तो फिर ज़ीरा ऐड कर दें, और ज़ीरा ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ साबित लाल मिर्चें गोल वाली, 2 से 3 आप ऐड कर सकते हैं। जब ये पक जाए तो फिर फ्लेम को ऑफ कर दें, फ्लेम को ऑफ करने के बाद पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें 1/2 टीस्पून। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, डिश आउट कर लेंगे अपनी दालें, और फिर उसके ऊपर लगा देंगे तड़का मज़ेदार सा। ये देखें तड़का लग चुका है। तो दालें हमारी हो गई हैं मज़ेदार सी रेडी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल जायका है।
ये दालें हर घर में ही शौक से खाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो ज़रूर ट्राई करें। माश की दाल से बनी एक होम रेमेडी आपसे शेयर करती हूँ, वो मुझे अभी अभी याद आई है तो सोचा आपसे शेयर करूँ। स्किन टाइटनिंग के लिए माश की दाल ले लें, उसका पाउडर ले लें 1 टीस्पून, उसमें हल्दी डाल दें 1 पिंच और थोड़ा सा दूध मिक्स कर लें, उसको भिगो कर रख दें थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर उसको अपने फेस पर अप्लाई कर लें 10 से 15 मिनट के लिए। इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, जब हल्का हल्का सा गीला रहे तभी आप फेस को कर लें वॉश, और उसके बाद कोई अच्छी सी मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई कर लें पूरे फेस पे अच्छी तरह से। क्या ज़बरदस्त टिप है, ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आप एक दफ़ा अप्लाई करके चेक कर लें अपने फेस को कितना ज़बरदस्त लगता है। हफ्ते में 3 दिन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी, आज की मेरी होम रेमेडी, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली से, फ्रेंड से, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, से मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फिर मिलूंगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह, तब तक अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।